गाइस यू कैन सी इसमें मिट्टी पहले ही डाली डाली हुई है। अब कितनी सी देर में अंकल तैयार कर देंगे, देखो प्रॉपर हाथ का खेल है। हाँ फिर इसको क्या है, लातों से गूंद के हाँ और प्रेस वर्क बनाया जाता है। अच्छा हाथों से कर रहा हूँ। हाँ, गुलाबचंद भैया तो इनके ही पूर्वज वगैरह काम करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो बताओ भी आप कब से काम करते हुए आ रहे हो इस फील्ड के अंदर? 20 साल हो गए काम करते हुए। आपको 20 साल हो गए? मेरे पापा भी करते थे, दादाजी भी करते थे। अच्छा कहते आपका एक्सप्लोर इज़ के एक और नया एपिसोड के अंदर, तो आज यहाँ सीन टाइटल और थंबनेल की एट प्रेजेंट वी आर एट ठीकर था गांव, जो बूंदी का एक पास वाला एरिया है। बूंदी से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर दूर होगा, ठीक है। यहीं पे एक पोल्ट्री विलेज है जहाँ पर बनाए जाते हैं एकदम मिट्टी के, प्योर मिट्टी के मटके वगैरह और पॉट्स वगैरह जो आप देखते हैं। मतलब जो होता है ना कि हमारे राजस्थान के अंदर एक मिट्टी के घड़े के अंदर भी ठंडा पानी मिल जाता है। तो आपको दिखाऊंगा उसकी प्रिपरेशन किस तरह की होती है, किस तरह से बनाया जाता है, कैसे कैसे लोग काम करते हैं और क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस रहता है। फॉर श्योर आई विल लेट यू नो, तो बस बने रहना पूरे ब्लॉग के अंदर। गाइस यू कैन सी के पके हुए जो है ना, मतलब आप देख सकते हैं ये सारे सारे मटके। तो पहला प्रोसेस इनको इस तरह से होते हैं, मतलब ये डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह की बनाई जाती है इनकी, उसके बाद कलरिंग पेंटिंग सब बाद में करते हैं लोग। वाह यार अमेजिंग, इस तरह की मिट्टी होती है यहाँ पर यू कैन सी। और शायद इनके अंदर इनको पकाया जाता है मटकों को, जो सामने भट्टी देख सकते हैं आप, ऐसा कुछ सीन है। अंकल किस तरह से बना रहे हैं इसकी, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रॉपर फिनिशिंग के साथ साथ अंकल काम कर रहे हैं। अमेजिंग यार, सामने आपका ही घर ना अंकल जी, वो भैया ने भेजा था कि पापा बना रहे होंगे। गाइस यू कैन सी इसमें मिट्टी पहले ही डाली हुई है। अब कितनी सी देर में अंकल तैयार कर देंगे, देखो प्रॉपर हाथ का खेल है। हाँ वाह, तो क्या बना रहे हो अंकल जी? अभी ये मटकी बना रही है, छोटी वाली मटकी। छोटी वाली मटकी, ऑटोमेटिक शेप में आ जाएगी अभी। वो अंकल जो आपके बेटे ना, वो तैयारी कर रहे थे उधर की, पापा बना रहे होंगे आप घूमे होंगे जाके। आज आप खींचा, वो जो बना जाने में था भाई छोटा सा एरिया बना था उधर, वो भी तैयारी कर ही रहे थे कि भाई एक बार होके आते हैं आगे ना वो। चलो देखिए आते हैं उधर होके। डाली था इन्फॉर्मेशन की भाई किस तरह से काम किया जा रहा है, कितने साल से काम किया जा रहा है और किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, एक बार मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ। अपने जो भैया है, आपका नाम क्या है भैया? गुलाबचंद। तो गुलाबचंद जी भैया हैं यहाँ पर, वो बताएंगे आपको जो इनके पूर्वज वगैरह काम करते हुए आ रहे हैं, कैसे क्या काम कर रहे हैं, सब मिलाते हैं अपने गुलाबचंद भैया से, ठीक है। तो बताओ भैया आप कब से काम करते हुए आ रहे हो इस फील्ड के अंदर? 20 साल हो गए काम करते हुए। आपको 20 साल हो गए? मेरे पापा भी करते थे, दादाजी भी करते थे। अच्छा मतलब ठीक है, जो मेन गांव है सारा इसी के लिए फेमस है मेन, तो इसमें कम से कम 25-30 परिवार है। अच्छा तो यही काम करते हैं। तो आप ही के समाज के, आपके परिवार वाले सारे? समाज के सारे आप ही के परिवार हैं यहाँ तो, मतलब इस गांव के अंदर हमारे पूर्वजों के, मतलब अच्छा 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 पूर्वजों के पूरे भाई वगैरह पूरे परिवार। ओके तो यहाँ कच्चे मकान कितने और पक्के मकान कितने हैं बताओ पहले यार। अभी तो क्या है जैसे हमारे कच्चे उधर गए ना। हाँ हाँ उधर क्या हूँ मैं अभी। अच्छा कच्चे मकान है और ये पापा ने बनाया था। अच्छा पक्का मकान तो फिर अजय ने बनाया है। नहीं नहीं बढ़िया है, लेकिन मेन तो क्या अपना कच्चे मकान भी देखने हैं हमें। ये अपना मकान ही है, उधर गए थे ना पापा। हाँ हाँ वो पहले उधर ही बनाते थे हम। अच्छा 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 वो धीरे धीरे धीरे। हाँ 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 वो तो पीढ़ी चलती जाती है, चलती जाती है। जो चार भाई में दो भाई ये मिट्टी का काम करते हैं, दो नहीं करते हैं। अच्छा 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 तो चारों भाई में से डिवाइडेशन के हिसाब से अब ये। अच्छा अच्छा समझ गया। तो ये मिट्टी कौन सी यूज करते हो आप इसके अंदर? ये मिट्टी क्या है, तालाब वगैरह रिवर उधर से लाते हैं। अच्छा वहाँ से मिट्टी लाते हो, तो मतलब कैसे लेके आते हो? ट्रैक्टर में लाते हैं। अच्छा ट्रैक्टर में लेके आते हो, उसको यहाँ स्टोर करते हो कहीं ना कहीं। और ये भट्टी में सेकते हैं अपन इसको, है ना? हाँ ये आज पकेगी भट्टी। अच्छा आज पकेगी, उसके बाद माल फैला हुआ है ना। हाँ वो इधर लाके इसमें रखेंगे। अच्छा इसमें रखा जाएगा वो, तो इसमें नुकसान कितना होता होगा? इस मटके फूट जाते हैं कभी, फूट गए ना 10-20 निकल जाते हैं, कभी अच्छे बुरे भी निकल जाते हैं सही। अच्छा ऐसा है, मतलब आप तो पूरा भट्टी में डालते हो एक साथ सारा का सारा, और उस पे गर्म होते होते सीखते सीखते निकालते हो आप उनको। तो चलो करते हैं एक बार प्रोसेस स्टार्ट, कैसे क्या करते हैं।
सारे औजार हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सारे औजार हैं, इनका यूज करके पूरी मटकियां वगैरह मिट्टी को ढककर रखना होता है भाई, ताकि सूख ना जाए इस वजह से। अच्छा, मटकी बनाना काम शाम को करते हो? इनको बना के ऐसे बनाते हैं, अभी बना के दिखाऊंगा आपको। हाँ, फिर उनको दिन भर क्या है, हम बना के ऐसे और हाँ। बड़े बड़े करने पड़ते हैं। अच्छा, तो एक मटकी बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? इसमें क्या है, जैसे अभी ये मिट्टी है, हाँ, अभी टंकी में डालेंगे इसको। हाँ, टंकी में डालने के बाद इसको गोल बनाएंगे। हाँ, फिर उस गोल को छान के यहाँ पे लाते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो ले लिया अंकल ने पूरा का पूरा बैटर, अपन बैटर बोल सकते हैं भाई ये मिट्टी को। ठीक है, अब इसी को पूरा तैयार किया जाएगा, अंकल को पैक कर रहे हैं, बिकॉज क्या धूप की वजह से सूख जाता है, तो पूरा पैक किया जा रहा है इसको। ये है भाई बात, टोकरी वगैरह सब रख कर ये लो कम्प्लीट। फिर इसको क्या है, लातों से गूंद के प्रेस वर्क बनाया जाता है। अच्छा, हाथों से कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, इसको लातों से सॉफ्ट करते हैं भाई। अंकल अभी तो बस हाथों से कर रहे हैं वैसे प्रॉपर। तो ये हो चुका है भाई प्रोसेस स्टार्ट, अब इसके ऊपर रखेंगे अंकल पूरे मिट्टी के डल्ले को। हाँ, ये लो, ये हो गया भाई पूरा प्रोसेस अब स्टार्ट। नाउ लेट्स सी, अब धीरे धीरे गीला कर करके उठाया जाएगा, बनाया जाएगा। तो एक दिन में कितना बना लेते हैं अंकल जी आप? ये बनाने के ऊपर है, जैसे मैं सिंगल आदमी हूँ तो 15-20 मटकी बनती है। अच्छा, एक दिन सारा काम है, जैसे जैसे मिट्टी भी कंप्लीट करनी पड़ती है, बना भी, अब जैसे बना ली ना, तो ये बनाने के बाद में अब ये बनाएंगे कंप्लीट, जब तो वो कंप्लीट मान जाएगा सारा काम है। अच्छा, ये पूरा पेंट वगैरह करना सारी चीजें हैं। ये लो भाई, ऐसी बनाना है बस। हाँ, एक मटकी लाइए बनाता थी कौन सा गड़बड़ी ना, देख लो भाई, इजी टू कह रहा है भाई, लेकिन वो वाली बात है, हाथ की सफाई होनी चाहिए बस। हाँ, क्यों अंकल जी? हाँ जी, मेन तो हाथ की सफाई है। हाँ, तो वही कला है, तो हमारे पूर्वज पुराने आइटम भी बनाते थे, जैसे आंडी है। हाँ हाँ, बड़े कुंडे हैं। हाँ, लेकिन अब क्या है, वो पत्ता लुप्त हो गए, वो वैसे आइटम नहीं बनते हैं, तो मटके बनाते हैं। हाँ, वो वाली बात है। देखो भाई, छोटी मटकी तैयार हो जाएगी इससे। अच्छा, ये और तैयार हो जाएगी इससे? ये वाली, इसको फिर क्या है, ठोकना पड़ता है। अच्छा, अभी ठोक के दिखाएंगे आपको। वाले कर लेते हैं, लेकिन नेचुरल अच्छा रहता है वैसे। ये मटकी बन गई, अब इसको क्या है, धूप में रखेंगे। धूप में रखेंगे इसको, इसको बंद कर देते हैं। इसको क्या है, धूप में रखेंगे। ठीक है, धूप में रखने के बाद में ये ड्राई होगी। देखे ना, एक और अभी दिखाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या है, अभी पीट के इतनी बड़ी बनेगी ये बन जाएगी इतनी बड़ी। हाँ, ये इतनी बड़ी बनेगी ये वाली मटकी, इतनी बड़ी बन जाएगी। वाह यार, तो ये बीच में क्या अंकल जी? उस पे रखना पड़ता है फिर इसको, क्यों नरम रहती है ना वो। अच्छा अच्छा अच्छा, उस पे रख के ड्राई होने तक ऐसे रखना पड़ता है। अच्छा, ऐसा है। के बाद में वो फिनिशिंग की ना, तो ड्राई होने में कितना टाइम लेती है? ड्राई होने में जैसे अभी 1-2 घंटे लगेगी। अच्छा, 1-2 घंटे लगेगी। हाँ, फिर उसके बाद में इसकी पॉलिश करके कल निकालेंगे ये वाला। अच्छा, ये मटकी है ड्राई होने के बाद में, ये थोड़े थोड़े रुको, दिए उठाना। अच्छा 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 अच्छा।